तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज हम आए हैं सेक्टर 3 में और आपको दिखाने वाले हो काफ़ी बढ़िया टावर में 1 BHK फ्लैट, हायर फ्लोर के फ्लैट आपको इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। सब प्राइस वगैरह सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल बता देंगे। तो ये रहेगा आपका एक एंट्रेंस गेट, 2 एंट्रेंस गेट आपको यहाँ पे मिलता है। काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे आने जाने के लिए, आप देख सकते हो नीचे पार्किंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन 1 BHK जो फ्लैट है उसे पार्किंग वगैरह नहीं है, लेकिन आपको ओपन पार्किंग में काफ़ी बढ़िया स्पेस है, क्योंकि जो ओपन पार्किंग है वो सोसाइटी का पार्किंग है, तो आप सोसाइटी की तरफ से आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे पैसेज एरिया मिलता है। नीचे काफ़ी बड़ा सोसाइटी है, एक फ्लोर पे आपको 6 फ्लैट मिलते हैं। अभी चलते हैं बिल्डिंग के अंदर। तो ये रहेगा आपका एंट्रेंस लॉबी, आप देख सकते हो 2 लिफ्ट आपको यहाँ पे मिलती है, और बस उस साइड से एक स्टेयरकेस है, और बाहर साइड से एक स्टेयरकेस है। पावर बैकअप भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए ऊपर जाके देखते हैं कैसा रहेगा अपना 1 BHK का फ्लैट। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे इस बिल्डिंग के अंदर आपको बेसिक एमिनिटीज यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा बैठने के लिए स्पेस वगैरह है, वॉकिंग ट्रैक वगैरह है, फ्लैग होस्टिंग के लिए जगह है। स्पेस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा फंक्शन भी आप सेलिब्रेट कर सकते हो, जैसे बर्थडे पार्टी वगैरह कुछ भी रहेगा तो वो आप सेलिब्रेट कर सकते हो। और आप देख सकते हो सेक्टर 2-3-5 का सर्कल है, जहाँ से स्टेशन की अगर बात करेंगे तो काफ़ी नियर आपको यहाँ पे वॉकेबल डिस्टेंस मिलेगा बामन डोंगरी स्टेशन। और यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए थोड़ा सा प्लेइंग एरिया है, और एक नॉर्मल जिम है, और सोसाइटी ऑफिस है। तो बेसिक एमिनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है, स्पेस काफ़ी अच्छा लगा। फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये सब एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। बिल्डिंग जो है वो रेडी टू मूव है, और 1 BHK का अभी एक ही फ्लैट है, और एक दो फ्लैट जो है वो रिसेल के मिडिल फ्लोर में। लॉबी स्पेस की बात करेंगे तो काफ़ी बढ़िया लॉबी स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है, किसी भी बैंक का लोन हो जाएगा। तो चलिए ऊपर जाकर देखते हैं। अब हम आए हैं 13 फ्लोर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो लॉबी स्पेस है काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको इस साइड में 1 BHK है, इस साइड में 2 BHK है। सोसाइटी में लोग ऑलमोस्ट रहने आ चुके हैं। जो स्पेस आपको जो मिलता है आने जाने के लिए, आप देख सकते हो ये 2 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, मतलब आपको ये सब लगभग 6.25 फीट का ऐसा चौड़ाई में मिलता है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस है। इधर अपना स्टेयरकेस रहेगा, तो आप अपना शू रैक वगैरह अगर बनाना रहेगा आपको, तो काफ़ी बड़ा स्पेस आपको यहाँ पे शू रैक के लिए मिल जाता है। अभी इंटर करते अपने हॉल के अंदर। तो ये रहेगा आपका हॉल, काफ़ी बढ़िया हॉल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम साइज की बात करेंगे तो ये जो हॉल है आपको, तो आप देख सकते हो मैं टाइल्स आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। ये 2 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 1 फीट का टाइल्स कटा हुआ है, मतलब ये 9 फीट ऐसा आपको चौड़ाई में मिल जाता है। अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो आपको लंबाई में कितना ये फ्लैट आपको साइज़ मिलती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 फिट की आपको लंबाई में ये हॉल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अटैच आपको काफ़ी बड़ी यहाँ पे बालकनी है, और इन्होंने थोड़ा सा जो बालकनी को स्पेस मिलता है सामने, तो उसे कवर करके ले लिया है, तो बालकनी जो है वो बड़ी बन गई है। आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंट से वगैरह काफ़ी बड़ी बालकनी यहाँ पे बना के रखी है। तो आप ये जो बालकनी है एक्सटेंड करके भी आपको काफ़ी बड़ी लगभग 2.5-3 फीट की बालकनी आपको यूटिलाइज़ करने के लिए मिल जाएंगी। अभी ये थोड़ा सा ढका हुआ है क्योंकि बारिश की वजह से अभी काम किया है इसका, तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपको बड़ी हॉल को बड़ी बालकनी आपको काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ से अगर व्यू की बात करें तो ऑसम व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है, मॉर्निंग के सनलाइट डायरेक्ट आपके फ्लैट के अंदर आएगा। चलिए अभी वास्तु की बात करते हैं। तो ये जो फ्लैट है आपको प्रॉपर वास्तु वाला है, ये नॉर्थ दिशा आपको यहाँ पे मिलती है, सॉरी वेस्ट मिलता है, और यहाँ से आपको ऐसा ईस्ट में रहेगा जो किचन है वो अग्नेय को आता है, उस साइड में एक बेडरूम रहेगा। तो जो साइज़ है फ्लैट की वो काफ़ी अच्छी लगी, आप देख सकते हो जो सीलिंग हाइट वगैरह है लगभग 9.5 फीट के आसपास सीलिंग हाइट आपको यहाँ पर मिलती है। फ्लैट के बाहर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है। जो डोर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लगभग आप देख सकते हो 2 इंच का आपको यहाँ पे ये साइज़ मोटा साइज़ आपको यहाँ पे मिलता है। डोर हैंडल वगैरह सब कुछ अच्छा मिल जाता है। अगर ये प्राइस की अगर हम बात करेंगे, ये जो फ्लैट है हमें किस प्राइस रेंज में मिल जाता है, तो ये जो फ्लैट है आपको इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस 65 लाख में ये फ्लैट आपके नाम हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी आ चुकी है, तो आपको डायरेक्ट कनेक्शन लेना है। स्कूल की बात करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल वगैरह भी दिखाई दे रहा, वो यहाँ पे गोयनका स्कूल है, सीपी गोयनका, उस साइड में भी एक स्कूल है, उस साइड में स्कूल वगैरह काफ़ी नियर बाय आपको ये बिल्डिंग के अंदर, ये प्रोजेक्ट के आजू बाजू में स्कूल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा।
प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। नीचे ही उतरते आपको यहाँ पे बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, सभी मार्केट आपको मिल जाता है। चलिए अभी यहाँ पे अपना जो पैसेज एरिया मिलता है बेडरूम और किचन को जाने के लिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लगभग 3 फीट का एरिया आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। और यहाँ पे एक हैंड वॉश बेसिन है और इस साइड में रहेगा अपना बाथरूम। तो अगर हम साइज़ की बात करेंगे बाथरूम की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा 5 फीट लंबाई में रहेगा, 1, 2, 3, 4 फीट आपको ऐसा चौड़ाई में रहेगा। अगर यहाँ पे कौन सी प्लम्बरिंग आपको यहाँ पे मिल जा रही है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेरा का फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, शॉवर वगैरह। और इस साइड में रहेगा अपना डक्ट, तो डक्ट थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी डीप में है, तो इसे काम करके आप इसका भी काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हो। अभी बाथरूम के अंदर टाइल्स वगैरह जो यूज़ किया है वो काफ़ी अच्छा लगा, लगभग आपको पिलर तक टाइल्स यहाँ पे मिल जाता है। हवा के लिए ऊपर भी एग्जॉस्ट अगर बिठाना है तो वो कर सकते हैं, उसके लिए जगह दी है यहाँ पे। इस साइड में अपना एक वॉश बेसिन है और ये साइड में रहेगा अपना किचन। आप देख सकते हो किचन को भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल जा रहा है। 1 स्लाइडल प्लेटफॉर्म है। नीचे का कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं और नल फिटिंग वगैरह सब कुछ ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मैंने बोला आपको कि OC रिसीव प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको टाइल्स जो है पिलर तक टाइल्स आपको यहाँ पे एक साइड में मिल जाती है, वाइट कलर की टाइल्स है, अच्छी लगती है। और यहाँ पे अपना वाटर फिल्टर वगैरह रहेगा। यहाँ पे 2 फीट की फ्लावर बेड मिलती है, तो इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो चाहो तो। यहाँ से भी आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया व्यू आपको फ्लैट के अंदर से भी दिखाई देता है। नीचे आपका 2-3-5 का सर्कल है, सामने गोइंग का स्कूल है। और स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस की बात करेंगे तो लगभग आपको 5-10 मिनट के आसपास आप चल के जा सकते हो। इस साइड में आपका फ्रिज बैठने के बाद भी काफ़ी बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम किचन के साइज़ की बात करेंगे तो ये 2 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे, मतलब ये 1 फीट का टाइल्स जो है वो कटा हुआ है, आप देख सकते हो। तो आपको जो साइज़ है 1, 2, 3, 7 फीट के करीब आपको ऐसी चौड़ाई मिल जा रही है, और 1, 2, 3, 7x7 का किचन मिल जाता है। और यहाँ से कुछ अलग सा टाइल्स डिवाइड किया है, तो आपको समझ में आ जावे कि यहाँ पे किचन है, ये आने जाने का रास्ता है। आप चाहो तो इसे निकाल के आपका जो किचन का साइज़ है वो बढ़ा सकते हो। आप देख सकते हो किचन वास्तु के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। और ये साइड में रहेगा अपना बेडरूम, तो उसके पहले हम देखेंगे हमें वेस्टर्न टॉयलेट यहाँ पे मिल जाता है। अगर वेस्टर्न टॉयलेट की हम साइज़ की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 लगभग 4.5x3 का आपको वेस्टर्न टॉयलेट मिल जाता है। यहाँ पे भी टाइल्स जो यूज़ किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। सेरा का फिटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इस साइड में रहेगा अपना बेडरूम, काफ़ी बढ़िया है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर हम टाइल्स काउंट करते हैं तो एक्चुअल में टाइल्स कितना मिलता है तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा 2 फीट का टाइल्स है, 1, 2, 3, 4 और वहाँ पे 1 फीट का कटा हुआ टाइल्स, मतलब ये 9 फीट हो गया। इस साइड में 1, 2, 3, 4, 5 ये 10 फीट हो गए। 9x10 का आपको यहाँ पे मिलता है काफ़ी अच्छा बेडरूम, अटैच 2 फीट की फ्लावर बेड साथ में आपको यहाँ पे मिल जाती है। फ्लैट का जो व्यू है बेडरूम का वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको विंडो वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ। अगर प्राइस की हम बात करेंगे, 65 मैंने जैसे बोला आपको पहले भी, तो ये जो फ्लैट है 65 लाख में आपके नाम इतना ब्यूटीफुल आपके नाम हो जाएगा। 65 लाख जो है वो निगोशिएबल प्राइस है, ऑन टेबल वो निगोशिएट हो जाएगी। सामने जैसे कि मैंने बार बार बोलता हूँ आपको, यहाँ पे गोइंग का स्कूल है, बाजू में वहाँ पे वेलफ्रिड स्कूल है, वहाँ पे SNG स्कूल है। स्कूल के बारे में सेक्टर 2-3-5 काफ़ी बढ़िया है, फुली डेवलप्ड सेक्टर है। सामने गार्डन है सड़कों का, इस साइड में भी चिल्ड्रन प्ले गार्डन है, बीच में बहुत बड़ा सर्कल है। तो ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी प्राइम लोकेशन पे आपको मिलती है। नीचे ही आपको उतरती है बस स्टॉप, रिक्शा स्टैंड, सब कुछ आपको बिल्डिंग के नीचे आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्लैट जो है वो काफ़ी अच्छा है, प्राइस जो है वो निगोशिएबल है। जिनको भी टावर में हाई फ्लोर पे फ्लैट देखना है तो काफ़ी बढ़िया ये फ्लैट आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिए दोस्तों।